क्या आप अपने फोटो की क्वालिटी को चेंज करना चाहते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा फोटो है जो बिल्कुल लो क्वालिटी का है और आप उसकी क्वालिटी चेंज करके HD में करना चाहते हैं? अगर हाँ तो फिर आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे हम अपने फोन की स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फोटो दिखलाना चाहता हूँ जो काफी लो क्वालिटी में है। यहाँ पे हम ओपन करते हैं अपने फोन की गैलरी को और यहाँ पे ये गैलरी में मेरा जो फोटो है, मैं इस फोटो पे क्लिक करके इसे मैं ओपन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसे अगर हम जूम करते हैं तो ये काफी इसका क्वालिटी लॉस हो जाता है, काफी ये फोटो फटने लगता है। तो दोस्तों अगर आप इस फोटो को HD में बनाना चाहते हैं, HD में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपको यहाँ से सीधे कट कर देना होगा और आपको अपने फोन में एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। ये ऐप है, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ओपन कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट पे और इसके बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइएगा। दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करने की तरीका मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, इससे पहले हम जान लेते हैं कि कैसे हम यूज करते हैं। तो अगर आप इसे पहली बार यूज करें तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट फेसबुक या फिर गूगल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट गूगल के थ्रू क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे गूगल पे। और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आप अपने उस ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिस ईमेल आईडी से आप साइन इन होना चाहते हैं। अब दोस्तों इसका इंटरफेस यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलता है। तो आप अपनी फोटो को HD क्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इनहेंस पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा यूज इट। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपने फोन में परमिशन देना होता है, आप परमिशन दे दीजिएगा और यहाँ से आपको उस फोटो को सिलेक्ट करना होगा जो लो क्वालिटी का है जिसे आप हाई क्वालिटी में चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी फोल्डर ओपन हो जाती है। दोस्तों ये फोटो है, मैं इसका क्वालिटी बढ़ाना चाहता हूँ तो इस फोटो को मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और देखिए अभी इसका क्वालिटी कुछ फटा हुआ सा है। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे टिक कर देना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, आपके फोन पे एक ऐड चलेगी। यहाँ पे जैसे ये ऐड चल रहा है, इस ऐड को आपको पूरा वॉच करना होगा। इस ऐड को दोस्तों आपको पूरा वॉच करना होगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना होगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करके इस ऐड को आपको देख लेना होगा। ये 30 सेकंड का यहाँ पे एक ऐड चलता है। देखिए दोस्तों मैं अपने ऐड को देख चुका हूँ और यहाँ से हम इसे कट करते हैं और कट कर देने के बाद अब ये फोटो की क्वालिटी चेंज कर चुका है। ये हमारा पहले का क्वालिटी है और ये अब क्वालिटी चेंज होके मिला हुआ है। आप इसे यहाँ से इस तरह से देखिए, अगर करते हैं तो ये पहले का क्वालिटी है और इस तरह से करते हैं तो ये अब का क्वालिटी है। यहाँ से इस फोटो को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तब आपको क्वालिटी में साफ फर्क पता चलेगा। जैसे ये अब का क्वालिटी है और यहाँ से अगर हम इधर करते हैं तो ये पहले का क्वालिटी है। तो आपको फर्क साफ महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। अब दोस्तों अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा डाउनलोड पे, तो यहाँ से अब ये फोटो आपका डाउनलोड हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे से अगर हम आते हैं बैक तो यहाँ पे आप वीडियो की भी क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा और यहाँ पे आप पर डे सिर्फ 8 फोटो का ही क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम इसे कट करते हैं और चलते हैं हम अपने फोन की गैलरी में। यहाँ पे अगर हम गैलरी को ओपन करते हैं तो दोस्तों ये पहले का फोटो है और ये अब का फोटो है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको ये इसका क्वालिटी चेंज होके कैसा क्वालिटी मिला हुआ है। दोस्तों यहाँ पे जूम कर रहे हैं अगर तो इसका क्वालिटी लॉस नहीं हो रहा है और ये काफी निखरी हुई फोटो हमें मिली हुई है। अगर यहाँ से अगर हम दूसरी फोटो को देखते हैं तो अगर इसे हम अगर जूम करते हैं यहाँ पे तो इसका क्वालिटी काफी अच्छी नहीं है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इस ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों प्ले स्टोर पे ये काफी खोजने में परेशानी होती है, इसलिए इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा।